राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर औद्योगिक नगरी पीतमपुर प्रेस क्लब के पत्रकार प्रशिक्षण शिविर और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। समारोह में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर समारोह के अतिथि छोटू शास्त्री अध्यक्ष धार जिला पत्रकार संघ, पूर्व नगर पुलिस अधीक्षक डी के तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र यादव, नगर पुलिस अधीक्षक पीतमपुर तरणेंद्र सिंह बघेल, SDOP धामनोत राहुल कुमार खरे, थाना प्रभारी धामनोत राजकुमार यादव की गरिमामय उपस्थिति में आयोजन की शुरुआत हुई। उपस्थित पत्रकारों को पत्रकारिता के कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार और उपस्थित अधिकारियों ने पत्रकारिता के गुण सिखाए गए। वहीं अधिकारियों का साल श्रीफल और सम्मान पत्र देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ पत्रकार कामिल मेहर द्वारा सभी का आभार माना गया। पीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी है गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, मुनियों ने समझी है। एक हसमुख आवाज और जानदार कलमकार प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष, इनसे जुड़कर रहना काफी अच्छा रहता है। बहुत पुराना है पीतमपुर, एक 700 लोगों की बस्ती वाला छोटा सा कस्बा रहा है, जिसमें अखबार से जुड़े हुए लोग कोई नहीं हुआ करते थे। महू से कहीं कोई हमारा आना जाना होता था तो हम कभी कभार अखबार पढ़ लिया करते थे, नई दुनिया, और बाद में दैनिक भास्कर हुआ, फिर छोटे अखबार अग्निबाण हुआ। आज पत्रकार प्रशिक्षण शिविर हुआ है, क्या कहेंगे? आज पीतमपुर औद्योगिक प्रेस क्लब का गरिमामय आयोजन हुआ। इस आयोजन में पत्रकारों को जहां प्रशिक्षण दिया गया, वहीं पत्रकार साथियों का सम्मान भी आयोजित किया गया था। पूरे जिले के पत्रकार यहाँ सम्मिलित हुए। बहुत गौरवशाली, बहुत गरिमामय कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई किला सागर जी, CSP पीतमपुर से भजन साहब, पूर्व CSP तिवारी जी, हम लोग SDOP खरे साहब और सभी पत्रकार साथी उपस्थित रहे। और शुभकामनाएं देता हूँ दिव्य दृष्टि चैनल को कि वह अभी बहुत कम समय में उसने अपनी विशेषज्ञता बना ली है, और मैं कामना करता हूँ कि वह जनता की आवाज़ बने और प्रयास ये हो कि किसी के चेहरे पर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।